हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल इस्लाम, आप देख रहे हैं जहानाबाद ब्लॉगर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रेजुएट पाव भाजी वाले के पास। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर ले, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। भाई को ग्रेजुएट पाव भाजी वाले के पास आने के लिए एकदम इजी मैप है। आप मलाचक मोड़ सामने आपको दिख रहा है, सामने मोती महल भी है और यहाँ पे सेकंड वाइफ है उसी के ठीक अपोजिट। और आप देखा जाए तो यहाँ पे गृहस्थी है, उन्हीं के बगल में आपको ये ग्रेजुएट पाव भाजी वाले मिल जाएंगे आपको। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो में बने रहे। जैसे पटना में ग्रेजुएशन चाय वाली प्रियंका मैम है, उन्हीं को प्रेसिडेंट मान के ये अपना स्टॉल खोले ना ग्रेजुएशन पाव भाजी वाले, और अपने आप में एक वाइब अलग सा फील कर रहे हैं। और जहां तक वो तो फैमिली मेंबर को बता के नहीं कहते, बट ये फैमिली सपोर्ट पूरा फुल मिल गया है इनको और अच्छे से इनको सेटअप कर लिए ने। और सेटअप किए हुए 2 से या 3 दिन हुआ, जैसे ही हमको पता चला वैसे ही हम यहाँ विजिट किए हैं। सबसे पहले ये साइन बोर्ड आपको मिल जाता है ग्रेजुएट पाव भाजी वाला। रेट है यहाँ पे क्वार्टर पीस और हाफ आपको 45 और फुल है आपको 60 और बटर 10 और आपका भाजी है 20 का। कोटेशन है, एक बार अवश्य पधारे। सर अपना पहले आप नाम बता दें। आरके अखिल सिंह। स्कूल लाइफ से आपको ग्रेजुएशन पाव भाजी का सफर कैसा रहा ये पहले आप बताएं। जूनियर सेक्शन से गया, 9 तक तो मेरा बैंगलोर से हुआ है, बाकी जो भी मेरा 10th हुआ है बाल विद्या निकेतन से, फैमिली प्रॉब्लम से। दूसरा ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से हो रहा है, बिहार का तो पता है नियम कैसा चलता है। ग्रेजुएशन अभी चालू ही है, मेरा फाइनल हुआ नहीं है। और दूसरा यहाँ तक का सफर है कि बहुत सारे जॉब मैंने छोड़ दिए। मैंने अनुबंध पे भी जॉब किया है एसपी ऑफिस में, सीसीटीएमएस में, वो जॉब मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद मैं अब खुद का बिजनेस सेल्फ डिपेंडेंट, मेरा बचपन का सपना था, तो इसीलिए मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर दिया। और फिलहाल मेरे पापा इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओ यानी कि फैमिली को आपको पता है कि आप पाव भाजी बेच रहे हैं। हाँ, मेरे पापा को पहले पसंद नहीं था, जब मैं होटल मैनेजमेंट के लिए गया था तो उनको कहना था कि डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो। इंजीनियरिंग करने गया, पसंद नहीं आया। डॉक्टरी करने गया तो उसमें जब ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा चक्कर आ गया, मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सोचा कि ये सब नहीं हुआ, जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ कुकिंग में है, तो मैं कुकिंग में आ गया। यहाँ देखा जाए तो किसी से मोटिवेट भी हुए हैं, जैसे ग्रेजुएशन चाय वाली प्रियंका मैम, तो उनको भी देख के। हाँ देखिए, बात यहाँ हुआ कि जब मैं ये पहले से सोच रहा था, ठीक है, जब सोच रहा था इसका नाम क्या रखूँ, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सोचा कि बजट जो हो सारे के लिए है, गरीबों लोग भी आ जाए, सारे लोग आके खाएं, सब कुछ है, ठीक है। तो मैं उस टाइम एज ए नाम इसका रखा था कुछ और, पर उसके बाद मैं सोचते रह गया, सोचते सोचते उसके बाद MBA चाय वाला आए, तो फिर मैं सोचा कि चलो पढ़ लिख के ये मेरे से सीनियर है, खोल लिया। फिर मैंने देखा पटना में कि ग्रेजुएशन का एक की हुई बंदी आई, बोली कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, चाय बेच रही हूँ, तो फिर जब ये लोग कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँ। तो हो सकता है आगे जाके लोग, बहुत लोग कहेंगे, देखो हंसते भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कस्टमर होते हैं हंसते हैं, मजा लेकर जाते हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ। और आई होप कि कुछ लोग आते हैं इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो मैं उनका इंग्लिश में भी जवाब देता हूँ, अच्छा लगता है, लोग पूछते भी हैं। तो उन लोग से मैंने देखा कि जब ये लोग कर रहे हैं तो फिर एक लड़की होकर कर रही है, तो लड़का क्यों पीछे रहे, इसलिए मैंने ये चीज़ सोचा कि चलो नाम में ऐसे भी कन्फ्यूजन था, रखो तो रखो ग्रेजुएटेड पाव भाजी वाला, मैंने उसी पर रख दिया। सर यहाँ पर देखा जाए तो कस्टमर का रिस्पांस कैसा आपको मिल रहा है? कस्टमर का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, और मैं बस यही कहूँगा कि कस्टमर का रिस्पांस या गूगल पे जो मेरा है ग्रेजुएटेड पाव भाजी वाला से, उसका रिव्यू देखकर मत आइए। मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ आप ये देखिए, आइए एक बार टेस्ट कीजिए, उसके बाद बताइए कि टेस्ट क्या। मैं सिर्फ टेस्ट पे जाता हूँ, आप पहले खाइए, क्योंकि देखिए कोई भी दुकानदार कहेगा कि मेरा कस्टमर अच्छा नहीं है, कोई तो ये कहेगा नहीं, कोई कहेगा कि टेस्ट अच्छा नहीं है, सबको कहता है टेस्ट अच्छा ही है, पर मेरा कहना यह है कि पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको क्या टेस्ट है वो रिव्यू खुद दीजिए। मेरा जो भी कस्टमर का रिव्यू है पूरा 100% एकदम सेटिस्फिकेशन हो रहा है हर कस्टमर को, जो लोग खाते हैं वो लोग ले भी जाते हैं और वापस भी आते हैं,
कैसे इनका प्रिपरेशन है वो दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी पाव भाजी बन रहा है। सिंगल जाता है, ठीक है। मक्खन है, ये बटर हो गया। बटर का भी क्वांटिटी अच्छा है। पाव को टोस्ट कर देते हैं, पाव को टोस्ट कर देते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। चारों तरफ से मैं इसको टोस्ट कर देता हूँ। I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wished that we never met, but you act like we never got to waste it in the bathroom of your parents' house. ये आपका ब्रेड टोस्ट हो गया, ठीक है। सलाद है, ऑनियन, लेमन और आपका भाजी। ये आपका भाजी है। देखिए पाव का तो टेस्ट है ही ये, और भाजी का भी अच्छा क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाता है। और भाजी के साथ आप मक्खन भी डलागी, यानी कि बटर। बटर कौन से कंपनी का यूज करते हैं? अमूल का। अमूल का बटर यूज करते हैं। हर जगह यूज होता है, इसलिए अमूल को यूज करते हैं। देखिए अच्छा मिल गया यहाँ पे, देख सकते हैं। अब इसको हम लोग टेस्ट करके आपको रिव्यू देते हैं, वीडियो में बने रहें। ये बटर को शेक कर दिया, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप एक बार आकर जरूर विजिट करें, और रोड साइड खाने का मजा ही अलग है, ये रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। एक बार आकर आप जरूर विजिट करें, बहुत मजा आएगा आपको टेस्ट करने में। आप एक बार खाइएगा, दोबारा जरूर आइएगा। टेस्ट जहाँ तक देखा जाए तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था। आप एक बार जरूर आके विजिट करें, बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आप वीडियो में बने रहे, बहुत मजा आएगा। भाई यहाँ पे आप खा के हाथ पोछ रहे हैं, तो आपको टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छे लगा भैया। एक बार सभी हम जहानाबाद से जितना स्टूडेंट है सभी को बोलेंगे कि एक बार खा के देख लें, टेस्ट ही बहुत बढ़िया है। सर आपको यहाँ पर का माहौल रिस्पांस कैसा मिला इनके तरफ से? इनको तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, एक भाई की तरह रिस्पांस मिला। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए।